चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर यानी होल स्पाइसेस पाउडर, क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, दही ऐड कर रहे हैं हम। 1 कप दही डालेंगे हम इसमें। नींबू का रस डालेंगे यानी लेमन जूस, 1 नींबू का रस डाल रहे हैं हम। मिक्स कर देंगे हम तमाम चीज़ों को, अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि चिकन में सब एब्जॉर्ब हो जाए। अब हमने हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी इसमें ऐड कर रहे हैं, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये हमने जो प्याज ब्राउन की थी जो आपको दिखाया था वो भी ऐड कर रहे हैं इसमें हम। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है, बस हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम माइक्रोवेव में हमने चावल रखे थे, कितने अच्छे और खिले खिले बन गए हैं चावल। हमने भगोना लिया है बड़ा और उसमें हमने बटर डाला है, काली मिर्च डाली है हमने, प्याज बारीक कटी प्याज डाली है। अब हम चावल की तह लगाएंगे भगोने में, अब हम चिकन की तह लगाएंगे। चिकन की तह के बाद फिर से चावल की तह लगा रहे हैं हम। हमने प्याज जो फ्राई की थी उसको डाल रहे हैं, फिर से चिकन की तह लगा रहे हैं हम। और फिर से चावल की तह लगा रहे हैं हम चिकन की तह के ऊपर। और फाइनली फिर से चिकन की तह लगा रहे हैं हम। ये देखिए हमने चिकन से कवर कर दिया है, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनने वाली है हमें ऐसा लगता है। और फाइनली फिर से चावल की तह लगा रहे हैं हम। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना होगा। हम ये फूड कलर डाल रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये हमने दूध में मिक्स किया है। बहुत ही हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि जो चिकन और चावल दोनों आपस में एक फ्लेवर मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छी बिरयानी बनने वाली है हमारी चिकन बिरयानी। हम इसको कवर करेंगे। बिरयानी तैयार हो चुकी है हमारी, ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, वाह। मुझे उम्मीद है ज़रूर आपको ये पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी दूसरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। बहुत ही अच्छा कलर निकल कर आया है बिरयानी का।